हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम एक बास्केट को बनाए हुए हैं, ठीक है। हम आपको इसी बास्केट को ऑटोकैड 3D में बनाना सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, यहाँ से इसको हम क्लोज करेंगे, इस ड्राइंग को। यहाँ से हम एक नया ड्राइंग लेंगे, स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग करना होगा, जैसे कि यूनिट अपना सेट करते हैं। यूनिट सेट के लिए UN इंटर, यहाँ पे हम टाइप में डेसिमल ही रखेंगे, प्रेसिशन को हम 0 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम मिलीमीटर रखेंगे और ओके क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे अपना यूनिट सेट कर चुके हैं। अब हमें हमारा जो वर्क स्पेस है, इसको हमें चेंज करना होगा। अब वो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। अभी आपको यहाँ पे सब 2D का यहाँ पे कमांड सब दिख रहा है, ठीक है। हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम वर्क स्पेस कहते हैं। तो वो हमें चेंज करने के लिए यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे दिया गया होगा। अभी हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन में है, हम यहाँ पे 3D मॉडलिंग में जाएंगे, ठीक है। अभी हमें अपना वर्क स्पेस भी चेंज कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको SW व्यू लेंगे, ठीक है। और चलिए बनाते हैं उसको, ठीक है। अब वो कैसे बनाते देखिए। सबसे पहले हम एक यहाँ पे सर्कल लेंगे, सर्कल जिसका यहाँ पे रेडियस 40 होगा, या डायमीटर बोलेंगे तो 80 होगा। चलिए यहाँ पे हम रेडियस डालते हैं 40, इंटर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम एक लाइन लेंगे। अब लाइन के लिए L शॉर्टकट होता है L, इंटर। अब लाइन कहाँ से लेना है हमें, इसके सेंटर से लेना है, ऊपर की तरफ। लाइन हमें कितना लेना है, 50 लेना है, 50, इंटर। अब हमें एक और यहाँ पे सर्कल बनाना होगा इसी पॉइंट पे, इसके टॉप वाले पॉइंट पे। तो सर्कल के लिए फिर से C, इंटर, और सेंटर इसके हम टॉप वाले पॉइंट को देंगे। अब यहाँ पे सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस यहाँ पे 50 होगा, तो 50, इंटर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब फिर से हम लाइन लेंगे यहाँ से। चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ से दूर कर देते हैं इस तरफ। चलिए अब यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट तक हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ तक, और ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हमें जोड़ना है, इस पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट तक। चलिए हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे बना चुके। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टॉप लाइन था, ये लाइन, इसको हम कॉपी करेंगे, CO4 कॉपी, यहाँ से इस पॉइंट से कॉपी करना है और ला कर यहाँ पे हमें रख देना है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हमें एक प्रोफाइल बनाना हो पड़ेगा, अब जो कि इसके जो मोटाई होगा, विथ होगा, उसको डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल बनाते हैं रेक्टेंगल के जरिए, तो REC, इंटर। ये जो हमारा रेक्टेंगल होगा 2x2 का होगा, तो 2 tab 2, इंटर, ठीक है। अब इसको आप सेलेक्ट कीजिए, इस रेक्टेंगल को, और इसको मूव कीजिए। मूव के लिए M, इंटर। मूव कहाँ से करना है, इसके मिडिल से, यहाँ से करना है। अब इसको लाकर आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे इसके लाइन पे, ठीक है। चलिए हम इतना काम यहाँ पे कर चुके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेलिक्स बनाएंगे, हेलिक्स। तो हेलिक्स का हमें शॉर्टकट कमांड HEL होता है, HEL, इंटर। अब उसको यहाँ पे सेंटर मांग रहा है, तो हम इस पॉइंट को देंगे इसके सेंटर से। अब यहाँ पे इसका बेस रेडियस, तो बेस रेडियस यानी कि ये जो हमारा रेडियस होता टॉप वाला, यहाँ पे बॉटम वाला, यहाँ तक देंगे, और उसके बाद यहाँ पे टॉप रेडियस मांग रहा है, तो टॉप रेडियस हम इसके ये यहाँ तक देंगे। अब यहाँ पे हाइट मांग रहा है, तो हाइट यहाँ पे हम 50 डालेंगे, 50, इंटर, ठीक है। चलिए इतना हम यहाँ पे अपना काम कर चुके। अब हमें क्या करना है, ये जो हम हेलिक्स बनाए उसका हमें कुछ इसमें मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई के लिए इस हेलिक्स को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्विक प्रॉपर्टीज में आइए, ये जो टर्न है, टर्न पे क्लिक कीजिए, इसको 0.2 पे यहाँ फिक्स कीजिए, 0.2 पे फिक्स कीजिए, फिक्स, एंटर, ठीक है। चलिए हम इसको बना चुके हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं बाकी काम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हम प्रोफाइल बनाए थे, इसको हम एक्सट्रूड करना है, ठीक है। अब कैसे करना है, हम उसको एक्सट्रूड
ये हेलिक्स के जरिए करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, तो इसको पहले सेलेक्ट कीजिए इस रेक्टेंगल को, यहाँ पे आपको एक्सट्रूड मिलेगा, तो इस पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको एक पाथ का ऑप्शन मिलेगा, पाथ, तो इस पे क्लिक कीजिए और ये हेलिक्स को पाथ में दीजिए। देखिए यहाँ पे ये हेलिक्स तैयार हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ पे कुछ विजुअल इसका चेंज कर देते हैं, विजुअल स्टाइल यहाँ पे आइए, इसको हम शेडेड ऑफ ग्रे करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस हेलिक्स को ये जो था इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, इसको मिरर करेंगे, तो सिलेक्ट मिरर के लिए MI इंटर और यहाँ से ये पॉइंट से हम राइट की तरफ और यहाँ पे नो। देखिए हम इतना पार्ट यहाँ पे बना चुके, अब आगे अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों का आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक एरे का कमांड मिलेगा, पोलार एरे का, देखिए यहाँ पे, तो इस पे जाइए, अब यहाँ पे सेंटर मांग रहा है तो सेंटर हम इसको देंगे, यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हमारा आ चुका। अब चूंकि इसका हमें आइटम चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आइटम, तो उसके लिए आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे 6 है तो इसको हम 35 कर देते हैं, 35 एंटर। देखिए हमारे यहाँ पे इसका यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब चलिए इसमें हमें कुछ और अभी काम करना बाकी है, जैसे कि इसके बॉटम पार्ट बनाना है, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट कीजिए, ये सर्कल, यहाँ पे एक्सट्रूड पे जाइए और नीचे की तरफ दो पे इसको एक्सट्रूड कीजिए, 2 एंटर। देखिए सेम वैसे ही ऊपर बनाना है, तो ऊपर के लिए हमें कुछ यहाँ पे हमें सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम सर्कल कैसे बनाते हैं, तो सी इंटर, हम सेंटर इसको यहाँ से यहाँ तक देंगे और इस तरफ आप रेडियस भी डाल सकते हैं या यहाँ पे लाकर छोड़ भी सकते हैं इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे रेडियस डालने वाले हैं, तो रेडियस हम फर्स्ट यहाँ पे रेडियस हम 52 डालेंगे, यहाँ पे 52 इंटर, ठीक है। फिर से हमें सर्कल बना एक और बनाना है सर्कल हमें, तो यहाँ से जाइए, फिर से यहाँ से सेंटर, अब इसका हम रेडियस डालेंगे 48 इंटर, ठीक है। अब चलिए इसको हम इस सर्कल को हम सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो अभी दोनों हम सर्कल बनाए हैं दोनों को आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, एक्सट्रूड पे आइए, इसको हम ऊपर की तरफ दो पे हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, 2 इंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमें होलो पोर्शन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सबस्ट्रेक कर देंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा सबस्ट्रेक कमांड दिखेगा, तो इस पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में इसके जो बाहर वाले सर्कल थे हमारा, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंटर दबाइए, फिर से यहाँ पे जो अंदर वाले पोर्शन थे इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इस पे, ठीक है, और यहाँ पे इंटर दबाइए। देखिए हमारा यहाँ पे इतना बन के रेडी हो गया, आप देख सकते हैं हम कितना सिंपली इसको बनाए हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसकी यूनियन कर देते हैं, तो यूनियन के लिए सबको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा यूनियन का कमांड का आइकन, तो इस पर क्लिक कीजिए, फिर से इसको सबको सिलेक्ट कीजिए और इंटर दबाइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यूनियन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे का काम करते हैं, हमें आगे और क्या क्या करना है देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे एज फिलिट करना होगा, ठीक है, तो एज फिलिट के लिए यहाँ पे हम जाएंगे, आप अपने कीबोर्ड से भी यहाँ पे कमांड दे सकते हैं F, और यहाँ पे मिलेगा आपको एज फिलिट, या आप यहाँ पे जाइए सॉलिड पे जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा फिलिट एज, तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे रेडियस मांग रहा है तो रेडियस डालिए, R, रेडियस के लिए R, इंटर, रेडियस हम 1 डालेंगे, 1 इंटर। अब हमें जिस जिस को फिलिट करना हो सबको हमें सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये एज और इसके बाहर वाले एज और इसके नीचे वाले भी एज को हमें फिलिट करना है, ये वाले एज, ठीक है, यहाँ पे डबल इंटर। देखिए ये हमारा एज फिलिट भी हो गया। चलिए इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको थोड़ा इस तरफ खींच लेते हैं हम, ये सब को हम सिलेक्ट और डिलीट। चलिए अपना हम ग्रिड यहाँ से ऑफ करते हैं थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए, आप देख सकते हैं हम कितना इसको आसानी से बनाए हैं, ठीक है। चलिए इस पर थोड़ा कलर अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको इसका हमें यहाँ पे शेडेड ऑफ ग्रे है, तो इसको रियलिस्टिक कीजिए,
और इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आइए, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, इसमें आइए। आप यहाँ से अपने मनपसंद यहाँ पे कलर दे सकते हैं, जैसे कि हम अभी यहाँ पे कैन वाले कलर को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारा अप्लाई यहाँ पे हो चुका, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना इसको आसानी से बनाए हैं। चलिए इसको थोड़ा व्यू इसका चेंज करते हैं, पर्सपेक्टिव इसमें देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके बताइए, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को वीडियो लाने की पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।